ये है एमपी बॉर्डर, खवासा। ये आगे आप देख रहे हैं, ये कांटा है। गाड़ी कितनी लाइन लगी है, एक इसके बराबर में है, एक ये हो गया, दूसरा मेरा हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा वो हो गया, छठा उसके बगल में और है, सातवां उसके बगल में है। ये खवासा बॉर्डर एमपी का बॉर्डर है। यहाँ छः चक्का 400, 10 चक्का 600, 12 चक्का 800, 14 चक्का 1000, 16 चक्का 1200, टेलर 2500, उगाही होता है यहाँ। ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग इनका आईटीओ साहब का ऑफिस है। गाड़ी आप कांटा उस पार देख सकते हैं, गाड़ियाँ सब खड़ी हो गई हैं। यहाँ पे खड़ी करके हमारे ड्राइवर भाई सब जाएंगे ऑफिस में, और जिनकी जौन सी गाड़ी है उस हिसाब से पैसे देंगे। तो ये पर्ची पे मोहर मार के देंगे, जिससे आगे इनका गेट बना है, गेट वाले को ये पता लगे कि हाँ उगाही के पैसे ये दे के आ गए हैं, तब बैरिकेड उठाई जाएगी और तब जो है हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। धन्य है हमारे ट्रांसपोर्ट टीवी जिन्होंने ड्राइवरों की आवाज़ उठाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ ट्रांसपोर्ट टीवी का जिन्होंने आवाज़ उठाई है। मेरा नाम राजकुमार है, जो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के रहने वाला है। मेरी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल भाई साहब। मेरी गाड़ी अनलोडिंग नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, 4-5 दिन का। तो मैंने ट्रांसपोर्ट टीम से हेल्प मांगी, तो ट्रांसपोर्ट टीम ने मेरी हेल्प की, ट्रांसपोर्ट से भी बात किया था, पार्टी से भी बात किया था, तो उसके बाद जो गाड़ी खाली करा दी मेरी। तो मैं ट्रांसपोर्ट टीवी वालों का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ भाई साहब, मेरी गाड़ी टाइम से खाली करा दी। अगर पहले से कंफर्म कर लेता तो पहले मेरा टाइम ख़राब नहीं होता, 4-5 दिन का मेरा टाइम ख़राब हो गया था। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी हो तो अपने ट्रांसपोर्ट मॉल पे जाके संपर्क करे, तो उनको अपनी समस्या बताए भाई साहब। ड्राइवर लाइन की तो बस एक ट्रांसपोर्ट मॉल ही सुनाई करता है।